आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किचन में यूज होने वाले स्क्रबर कौन कौन से लेने चाहिए और किस तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं और किसका क्या यूज है। इस वीडियो को देखने के बाद स्क्रबर सिलेक्ट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, तो आइए देखते हैं। मार्केट में कई तरह के स्क्रबर मिलते हैं और कई तरह के स्क्रबर आप लोग यूज भी करते हैं, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे स्क्रबर दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा इस तरह का एक स्क्रबर आता है मार्केट में, ये आप बर्तन साफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इससे हम बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग में भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि किचन की सफाई में ये बिल्कुल भी काम में नहीं आता है। मुझे तो ये कम पसंद है, अगर आपको अच्छा लगता है तो यूज़ कीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा मुझे कम पसंद है। इसी तरह से एक ये आता है इस तरह का, इसके अंदर फॉर्म होती है और ये इस तरह का ये कपड़ा इसके ऊपर लगा होता है, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, 2 या 3 दिन के अंदर इसकी ये जो फॉर्म है वो ख़त्म हो जाती है और ये बिल्कुल यूज़लेस हो जाता है। तो ये भी ठीक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक इस तरह का स्क्रबर आता है, ये काफ़ी अच्छा है, ये स्कॉच ब्राइट कंपनी का है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह का आता है, इसमें ये एक तरफ स्कॉच ब्राइट लगा होता है और एक तरफ ये फॉर्म लगी होती है। बहुत अच्छा होता है, यूज़ करने में काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन 20-22 दिन के अंदर इसकी ये फॉर्म जो है ना वो एकदम से ख़राब हो जाती है, इसलिए ये भी काफ़ी चलता नहीं है। एक आता है इस तरह का, स्कॉच ब्राइट है ये, आप लोग काफ़ी यूज़ करते होंगे, बहुत यूज़फुल है। मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ आपको, आप देखिए। और इसे आप किसी भी तरह की क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन सॉफ्ट बर्तन हम इससे साफ़ नहीं कर सकते या फिर बर्तनों पर जो हार्ड स्टेन्स होते हैं उन्हें आप इससे साफ़ नहीं कर सकते। उनको साफ़ करने के लिए आपको इस तरह का जूना यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह के स्क्रबर से ही आप हार्ड स्टेन्स को साफ़ कर सकते हैं, जैसे हमारी चायदानी, कुकर, कढ़ाई या दूध के बर्तन जो जल जाते हैं उन्हें हमें इससे साफ़ करना होगा। लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, ये क्या, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये इस तरह का होता है, ये शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या है ना, ये हार्ड हो जाता है और इसके ये जो तार हैं ये टूट जाते हैं, बर्तनों के अंदर फंसे रह जाते हैं और हमारे हाथों पर भी ये बहुत ज़्यादा हाथों को छील देते हैं, हाथों में चुभते हैं और बर्तनों में रहने की वजह से हमारे खाने में भी चले जाते हैं। इसलिए ये स्क्रबर अच्छा है, लेकिन इसका काम कोई दूसरा स्क्रबर नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम होने की वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। तो आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। मैंने एक नया स्क्रबर यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद आया है और इसको यूज़ करने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्क्रबर है, ये मैंने यूज़ किया है, इसीलिए ये पैकेट खुला हुआ है, आप देखिए। ये क्लीनो कंपनी का आता है, आप इसे देख सकते हैं। और मैं इसकी क्वालिटीज़ अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि जितने भी ये स्क्रबर रखे हुए हैं इन सब का काम ये अकेले ही कर देगा और बहुत अच्छा है। स्पेशली इसका काम तो ये बहुत ही अच्छा करता है। इसके प्रॉब्लम है, इसमें से तार टूटते हैं, हाथों में छिपता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इससे ना तो तार टूटने का प्रॉब्लम है, ना ही हाथों में छिदने का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। आप इससे सब तरह के बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, बस प्लास्टिक के बर्तनों को इससे साफ़ मत कीजिए वरना प्लास्टिक थोड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा तार तार जैसा बर्तन है और बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इसे यूज़ करके भी दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है, आप भी देखिए। इसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपको कौन सा स्क्रबर यूज़ करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बर्तन साफ़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी एक चायदानी है, काफ़ी जली हुई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। तो मैं इसे साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसे हम पानी से गीला करेंगे और ये मैंने स्क्रबर में थोड़ा सा अपना, आप जो भी साबुन यूज़ करते हैं वो लगा लीजिए और आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से आपकी ये चायदानी साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Thank you.
आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे चलाती जा रही हूँ ये एकदम साफ होता जा रहा है, बहुत कम मेहनत के साथ ये साफ हो रहा है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल भी इसको ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, हल्के हाथों से लगाया है फिर भी ये साफ हो गया। अब देखिए हमारे स्क्रबर पर सारी गंदगी आ गई है। अब मैं आपको इसे धोकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा ये साफ़ हो गया है और इसे एक बार और मैं थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। और इसी तरह से हम इसे पीछे से भी साफ कर लेते हैं। इस तरह के जो जले हुए होते हैं ना ये भी आपके इस तरह इससे रगड़ने से काफ़ी साफ हो जाते हैं। ये देखिए अब मैं आपको इसे धोकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे बर्तन साफ होने के साथ साथ इसमें एक अच्छी सी चमक आ गई है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा हमारे खाने को, हमारे हाथों को। तो मुझे बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज़ कीजिए। ये देखिए इस तरह का एक जला हुआ बर्तन और है मेरे पास, आप देख सकते हैं पूरी तरह से काला हो गया है। तो मैं इसे भी इससे आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह से साबुन ले लिया है और इसे आप इस तरह देखिए। आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। तो इसे हम पीछे की तरफ से भी साफ़ करें। तो ये देखिए काफ़ी हद तक हमने इसे रगड़ के साफ़ कर लिया है। अब मैं इसे धोकर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वही बर्तन है फ्रेंड्स जो हमारा जल गया था। इस तरह के जले हुए जो आपके बर्तन हैं उन्हें आप इससे बहुत अच्छा सा रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। और मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा और यूज़फुल स्क्रबर है ये। ये काफ़ी लंबा चलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस इसे किसी भी सॉफ्ट बर्तन पर यूज़ मत कीजिए जैसे नॉन स्टिक और प्लास्टिक, बाकी आप इसे किसी भी तरह के बर्तन पर यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो और ज़रा भी आपको यूज़फुल लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन यूट्यूब, लाइक नवरत्न रसोई ऑन फेसबुक एंड फॉलो नवरत्न रसोई ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।